हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज अ स्टैक। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे पता है हमको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहां पर क्या डेटा क्या होता है सिक्वेंशियली अरेंज किया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देन इट फॉलोज द व्हाट लीफो स्ट्रक्चर। लीफो स्ट्रक्चर मतलब होता है, लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो अप्रोच है या इसका जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो कौन सा फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वी विल सी इन द वर्ड फर्दर पार्ट। ओके, देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द स्टैक। तो पुश इज वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द स्टैक, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, इज फुल एंड डिस्प्ले। सो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच वी कैन प्लेस ऑन द व्हाट स्टैक। इसका मतलब है हम लोग ये सारे ऑपरेशन हमारे स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द स्टैक। तो यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया है, वी हैव टेकन द एम्प्टी स्टैक। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हमारा क्या है, हमारा ये हमारा स्टैक है। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तो हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर कहां पर होता है, पॉइंटर इज नथिंग बट एट व्हाट टॉप equal to minus 1. So whenever we don't have any element into the stack, then the top is going to point to what? Minus 1. So whenever suppose I am inserting, so what? I am inserting, it means that I am performing the push operation. Push operation. Push operation is nothing but what? Inserting a element into the stack. That operation is known as what? Push. Suppose I am pushing what the element called as 10. Element called as a 10. तो अभी क्या हो जाएगा, automatically हमारा जो index number होता है, पहले element का कितना होता है, 0 होता है। तो अभी हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा pointer है और ये हमारा क्या बन जाएगा, top। तो हम बोल सकते हैं कि top equal to कितना है, समय 0 है। Similarly, suppose if I insert another element that is 20, suppose 20 I have to insert. पहला element कौन सा है हमारा 10, अभी कौन सा हो गया 20, तो हमारा जो ये index number क्या बनेगा, अभी increment होके क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारा जो pointer किसको point करेगा, that top will be point to the what, the index number 1. Similarly we can add the what, the another element, suppose that is what 10, 20 and what 30. तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0, 1, 2, और ये हमारा पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो ये हमारा क्या हो गया है, पुश ऑपरेशन हो गया है। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द एलिमेंट इनटू द स्टैक इज नोन एज व्हाट, द पुश ऑपरेशन। सो हम बोल सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द व्हाट, पुश ऑपरेशन। Now suppose we have to learn what is a pop operation. So let us understand it from the example, so that makes you more clear. So pop operation is nothing but what? Pop operation is nothing but what? The process of deleting and element from the stack is known as pop. तो इसका सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग होता है कि जब कोई हम लोग एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं स्टैक से, तो उसका मीनिंग होता है कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज आई हैव व्हाट दिस एलिमेंट्स इन माय व्हाट स्टैक। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो गया 0, 1, 2, और ये हमारा क्या हो गया पॉइंटर जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अभी मुझे सपोज क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पॉप ऑपरेशन। तो हमेशा पॉप ऑपरेशन क्या करता है, हमारा जो स्टैक है उसमें जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रिमूव करता है। तो यहां पर हम सपोज पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली द एलिमेंट 30 विल बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो जब हम लोग पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारा टॉप क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो पहले हमारा इंडेक्स नंबर क्या था, यहां पर 2 था, तो अभी हमारा इंडेक्स नंबर कितना हो गया 1।
So successfully we have removed the topmost element of the stack. Similarly, suppose मुझे क्या करना है यहां पर, देखिए यहां पर मुझे अभी ये एलिमेंट रिमूव करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा टॉप क्या बन जाएगा, अभी टॉप विल बिकम व्हाट, दैट इज व्हाट 10, और उसका इंडेक्स नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, यहां पर वी हैव लर्न दैट हाउ कैन वी इंप्लीमेंट द पॉप ऑपरेशन ऑन द व्हाट स्टैक। नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ कैन वी लर्न, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द पिक ऑपरेशन। सो पिक ऑपरेशन इज नथिंग बट व्हाट, पिक ऑपरेशन मतलब होता है कि हमको क्या करना है, पिक ऑपरेशन इज यूज्ड, और यहां पर लिखता हूं पिक ऑपरेशन, और वी कैन से फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो यहां पर सपोज हमारे पास ये स्टैक है, इसमें सपोज आई हैव, दिस आर द व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, 0, 1, 2, दिस आर द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस, एंड दिस इज अ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो अभी जब मैं पिक ऑपरेशन यूज करना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, जो हमारा स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हमको देगा। तो यहां पर अगर सपोज हम लोग क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट कौन सा, टॉप एलिमेंट 30 है, तो हम लोग उसका कोड देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन करंटली जब भी मुझे पिक ऑपरेशन यूज करना है या क्यू यूज करना है पिक ऑपरेशन, तो व्हेनेवर वी वांट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक और फ्रॉम द स्टैक वी कैन यूज द वर्ड पिक ऑपरेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड पिक फंक्शन। देन इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या करता है, इज एम्प्टी जो फंक्शन है वो हमेशा चेक करता है कि हमारा जो स्टैक है इज एम्प्टी, चेक्स द स्टैक, चेक्स द स्टैक वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट, वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। तो इज एम्प्टी का काम क्या होता है, हमारा स्टैक जो है सपोज अभी यहां पर स्टैक है, अगर सपोज टॉप इक्वल टू -1 रहेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा इज एम्प्टी क्या रहेगा, यहां पर टॉप इक्वल टू क्या बताएगा, -1 बताएगा। तो वो चेक कर रहा है, अगर ट्रू रहेगा, अगर एम्प्टी होता है तो क्या रिटर्न करेगा हमको, वो ट्रू करेगा। यदि उसमें अगर कोई एलिमेंट होता है, सपोज अभी ये स्टैक है मेरा, यहां पर इसमें एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे इज एम्प्टी यूज करेंगे तो यहां पर एलिमेंट है इसमें, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से इज एम्प्टी क्या करता है, समर इज व्हाट, इज एम्प्टी इज गोइंग टू वेरीफाई दैट whether the stack is empty or not. If the stack is empty, it will return true to us. If it is not empty, it will return the false to us. So similarly, is full क्या करेगा? Is full is going to verify the stack whether it is what, full or not. Suppose अभी यहाँ पर is full is used to check whether the stack is full or not. Let us take an example over here. Suppose I have 10, 20, 30 and 40. Suppose I have the capacity of this is what, 0, 1, 2, 3. और हम क्या बोल रहे हैं, suppose मेरा जो stack है उसका capacity है चार element का. Suppose if I say that, if stack is of what, suppose size 4, it means my stack can store at most how many elements? 4 elements. तो ये जब function use करेंगे हम लोग is full, तो हमको पता चलेगा कि हमारा stack full है कि नहीं है। अब इस condition में हमको पता चल रहा है कि हमारे पास 4 element है और हमारे size जो है stack का वो 4 है, मतलब 4 ही है। तो जब ऐसा रहेगा तो it will return what? True us. यदि उसमें कोई element कम होता है, जैसे अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, element कम है, तो उस समय क्या करेगा, इट विल रिटर्न टू व्हाट, फॉल्स टू अस। सो वी कैन से दैट इज फुल ऑपरेशन इज यूज्ड टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। सिमिलरली द लास्ट फंक्शन इज डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन क्या होता है, डिस्प्ले फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, डिस्प्ले फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द
द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक ऑफ द स्टैक। तो यहां पर हमने सपोज हमारा ये हमारा स्टैक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 30, 20, 10 इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, व्हाट इज स्टैक, एंड वी हैव लर्नड हाउ कैन वी इंप्लीमेंट पुश पॉप पीक इज एम्प्टी इज फुल एंड डिस्प्ले फंक्शन। तो अपकमिंग सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल सी हाउ टू राइट द कोड फॉर ऑल दीज ऑपरेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।